नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब समीक्षा अधिकारी की कर रहे होंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी आप जानते हैं 411 पदों पर भर्ती थी और इसका पेपर हुआ था लेकिन री एग्ज़ाम फिर से लग गया है। आप जानते हैं कुछ खामियाँ थी, उनके कारण पेपर कैंसिल हुआ, फिर से मौका मिल रहा है। 22 दिसंबर को आपका फाइनली पेपर लगा है मित्रों। आप जानते हैं 22 दिसंबर 2024 को दोनों पालियों में पेपर होगा। आप जानते हैं फर्स्ट पाली में आपका GS होता है, 140 प्रश्न पूछता है, सेकंड पाली में आपका हिंदी होता है, 60 प्रश्न पूछता है। माइनस मार्किंग का प्रावधान है 1/3 का, यानी तगड़ा माइनस मार्किंग है, तो अच्छे से पढ़ना है, जो आए उन्हें सबसे पहले सॉल्व करने की चेष्टा करनी है। प्री क्वालिफाई होंगे तभी मेंस देंगे, मेंस दे करके फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। विदाउट इंटरव्यू पोस्ट होती है, रेवेन्यू ऑफिसर है, बढ़िया पोस्ट है मित्रों, 4800 पे स्केल की नौकरी है। ARO बनेंगे, 4600 पे स्केल की नौकरी है। दोनों में समानताएं काम भर की हैं, बस यही है कि ARO बड़ा है, ARO छोटा है। हमें उम्मीद है आप लोग कल वाली क्लास देखे होंगे, कल हमने विलोम के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, 30-40 क्वेश्चंस जो PYQ थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उन्हें करवाने का प्रयास रहा। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने की चेष्टा करेंगे मित्रों, आपके सिलेबस का हिस्सा है। अनेक शब्दों के एक शब्द 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर के होंगे। सीधा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं। भाषा की सुदृढ़ता को आप समझेंगे, गंभीरता को समझेंगे तो आप सटीक आंसर्स दे पाएंगे, शो की सीधी बात। जैसे जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है? अंकस्थ आता है। और गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या बनता है मित्रों? तो गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बनता है अंकस्यायिनी। जबकि सबके हृदय की बात जानने वाला के लिए क्या बनता है? अंतर्यामी। शब्द पकड़ना मित्रों, क्योंकि अशुद्धि से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द जो बनेगा वो अपारदर्शी बनेगा मित्रों। और जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य, अग्रगण्य। आगे बढ़ेंगे, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो अनुकरण करने योग्य है मित्रों उसे अनुकरणीय कहा जाता है, और जो इस लोक में संभव नहीं है उसे अलौकिक नाम दिया जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द आता है अतिशयोक्ति, और जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द आता है अदृश्य। शब्द भी पकड़ना, कैसे लिखा जाना है ये भी देखना, नहीं तो मित्रों नंबर कट सकते हैं। जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द आता है अभिनेता, और जो स्त्री सूर्य को कभी भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य को कभी ना देख सके मित्रों उसे असूर्य परस्या या फिर असूर्य पस्या कहा जाता है। असूर्य मस्या मित्रों समझना, असूर्य पस्या किसके लिए बनता है? स्त्री जो सूर्य ही ना देख सके। जो जन्म नहीं लेता है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अडज या फिर अजन्मा, और जो जन्म नहीं लेती है उसके लिए अजा शब्द आता है, अजा याद रखना। जो नहीं हो सकता है उसके लिए असंभव शब्द आता है, और जो कार्य अवश्य होने वाला है उसे अवश्य संभावी कहा जाता है। जो चलता नहीं उसके लिए अचल शब्द आता है, और जो अल्प बोलता है मित्रों कम बोलता है उसके लिए जो एक शब्द बनता है वो अल्पभाषी शब्द बन जाता है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आता है अपरिमित या फिर अपरिमेय, और जो अंडा से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, अंडज कहते हैं। आगे, जो खाने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द आता है अखाद्य, और जो नहीं आता है या जो नहीं आता हो उसे कहते हैं अनागत। क्या कहते हैं? अनागत। जिसकी गोद में स्थान मिला हो, जिसकी गोद में स्थान मिला हो उसे संकाय कहा जाता है,
और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, तो जो बीत चुका हो उसके लिए अतीत शब्द बनता है और महल के अंदर का हिस्सा जो है वो अंतःपुर कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। शब्द पकड़ना मित्रों कैसे लिखना है, क्योंकि वर्तनी में भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और सीधा सीधा शुद्धि से ही पूछा जाएगा, गरिष्ठ पूछा गया है, अनधिकृत पूछा गया है, उत्तीर्ण पूछा गया है, अधीन पूछा गया है, चरमोत्कर्ष पूछा गया, शब्द बहुत सारे बने हैं। तो याद रखना, जिसकी गहराई ना पता चले या जिसकी गहराई का पता ही ना चले उसके लिए अथाह शब्द यूज किया जाता है, और जो कहा ना गया हो, जो कहा ना गया हो उसे अकथित कहा जाता है या अकथित कहा जाता है। तो अकथित शब्द समझना। पर्वत के ऊपर का जो समतल भूमि होता है मित्रों, ये पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को हम क्या नाम देते हैं? मध्यका नाम देते हैं, मध्यका। और जो ढका ना हुआ हो, जो ढका ना हुआ हो उसे जो है अपरिच्छित कहते हैं मित्रों। और आगे बढ़ेंगे, जिसका नाप तोल ना हो सके, जिसे नापा या तोला ना जा सके उसे कहा जाता है अपरिमेय। क्या कहा जाता है मित्रों? अपरिमेय शब्द दिया जाता है। और जो अल्प जानता है, अल्प यानी कम जानता है, उसे अल्पज्ञ शब्द के साथ नवाजा जाता है। आगे चलेंगे, जो भक्षण करने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो मित्रों वो अभाच्य हो जाता है, जो भक्षण करने योग्य ना हो अभाच्य कहलाता है। और जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो अभूतपूर्व के साथ बनेगा। क्या शब्द मिलेगा? अभूतपूर्व मिलेगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द आता है आश्रुत पूर्व। और जो पहले कभी नहीं देखा गया उसके लिए एक शब्द क्या आता है? आदृष्ट पूर्व। और आगे बढ़े तो आगे कहा जाता है जो स्त्री अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, और जो बिना वेतन के काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? अवैतनिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसे क्या कहते हैं? अनन्य भक्त कहते हैं मित्रों। जिसके समान दूसरा कोई भक्त ही ना हो उसे अनन्य भक्त कहा जाता है। और जो समय के अनुकूल ना हो मित्रों उसके लिए एक शब्द क्या आता है? असामयिक शब्द आता है। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिवार्यनीय, अनिवार्यनीय कहेंगे, अरे अनवार्य वचनीय कहा जाएगा, अनिर्वसनीय शब्द से भी आप इन्हें नमाज सकते हैं। और जो साधा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आता है? जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसके लिए असाध्य शब्द का उपयोग होता है। जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जो जिसका जोड़ नहीं है मित्रों, तो जिसके समान दूसरा नहीं है उसे अनन्य शब्द से पुकारा जाता है। और आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला उसे अद्वैतवादी कहा जाता है मित्रों, अद्वैतवादी शब्द से नमाजा जाता है। वर्षा का ना होना यानी पानी ना बरसना जो है अनावृष्टि कहलाती है। और अत्यधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द क्या आता है? अत्यधिक यानी ज्यादा वर्षा हो गई तो उसे अतिवृष्टि शब्द से पुकारा जाता है। जिसे कभी भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहा जाता है मित्रों, शब्द पकड़ना। और जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई शत्रु ही जन्म ना लिया हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अगला शब्द ये आ गया, जिसका मन कहीं और हो उसे अनमना या फिर अमान्य मस्क कह देते हैं। और जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। और जिसमें सामर्थ नहीं है उसे असामर्थ के नाम से पुकारा जाता है, असामर्थ। आगे चलेंगे, जिसकी आशा न की जाए मित्रों उसे अप्रत्याशित शब्द से पुकारा जाता है। और जिसकी उपमा ना हो मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अनुपमम, अनुपम, अनुपम। जिसकी कल्पना ना की जा सके मित्रों अकल्पनीय या फिर कल्पनातीत हो जाता है। और जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो
या जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोच या फिर अतीन्द्रिय शब्द से पुकारा जाता है। तो अगोचर किसे कहा जाता है मित्रों, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे अगोचर कहते हैं। तो शब्द पकड़ना मित्रों, शब्दों से क्वेश्चंस बनते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 प्रश्न लेकर के आता है। उम्मीद है ये क्लास समझ में आई होगी। आज गणेश चतुर्थी है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की अनंत कृपा दृष्टि आप सभी पे बरसती रहे। इन्हीं सारी कामनाओं के साथ मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।